केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। झारखंड के किसानों को कृषि उपकरण खरीद पर 80% का अनुदान अब मिलेगा। चंपाई सरकार ने बुधवार यानी कि 6 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को कृषि उपकरण के अनुदान बढ़ाने सहित 40 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई है। झारखंड मंत्रालय में देर शाम तक हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दालेल ने कहा कि सरकार ने राज्य में संचालित 44 आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्था के माध्यम से करने का फैसला लिया है। इसके अलावा राज्य स्तर के पदों में पदोन्नति के लिए 150 पदों के लिए आरक्षण के नए रोस्टर तय किए गए हैं। कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय झारखंड राज्य अभिलेखागार सेवा भर्ती नियमावली में संशोधन की मंजूरी, सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं को अपने सेवा काल में बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव में के तहत 2 साल तक का अवकाश मिलेगा, झारखंड कारखाना अधिनियम 1950 में संशोधन की स्वीकृति, झारखंड उच्च न्यायालय में गैर संवर्ग कैडर में 25 पद सृजित करने की मंजूरी, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्राकलन की स्वीकृति, झारखंड प्रशासनिक सेवा के सीओ केबी राम की अपील खारिज की गई, झारखंड फूड एंड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2024 की स्वीकृति, डीआरडीए यानी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला परिषद में विलय करने की मंजूरी, इसके तहत 380 कर्मियों का जिला परिषद में समायोजन होगा, आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से अधिक के बच्चों को अंडा मुहैया कराने के लिए प्रति अंडा 6 रुपए की दर तय की गई है और इसे सेविका के द्वारा क्रय किया जाएगा, राजकीय स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल में पीपीपी मोड पर 10 बेड आईसीयू बेड और टेली आईसीयू के लिए कर्नाटक की एजेंसी के साथ करार करने की स्वीकृति, रिम्स फूलो झानो अस्पताल दुमका धनबाद और 21 अनुमंडल अस्पतालों को टेली आईसीयू की सुविधा होगी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।